हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आपको ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि जो नए डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये टॉपिक है बेटर हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कि हिस्ट्री टेकिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री टेकिंग में नॉर्मली कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग का स्टेप है जनरल हिस्ट्री, जिसमें हम एज, नेम, सेक्स, वेट ये पूछते हैं, और बीपी है, शुगर है, इनके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। सेकंड आता है स्पेसिफिक हिस्ट्री। स्पेसिफिक हिस्ट्री देखो दोस्तों, लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक हिस्ट्री के बेसिस पर ही हम काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। थर्ड है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स हुई, किन किन बीमारियों से आप ग्रसित हुए, क्या आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाई, क्या ट्रीटमेंट लिया है, इसके बारे में। फोर्थ है आपका फैमिली हिस्ट्री, की कहीं जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जेनेटिकली है, इसका ट्रीटमेंट किस बेसिस पर करना है, किडनी जनरेशन के बाद किस में ये ट्रांसफ़र हो रही है, ये सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। और है आपकी फिफ्थ है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, जिसमें आप क्या व्यवसाय करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, इसके बेसिस पर भी दोस्तों काफ़ी डिसीजन पता कर सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको आपको डिटेल में, सबसे पहले मैं लेता हूँ जनरल हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम पेशेंट का नाम पूछते हैं। देखिए, नाम पूछने से कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। पेशेंट का नाम के साथ उसका सरनेम पूछना है। सरनेम से आयुर्वेद में बोला जाता है कि सरनेम के बेसिस पर, और मॉडर्न साइंस में भी काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर वो मोमडन हैं या ठाकुर हैं या अन्य किसी कास्ट से रिलेटेड हैं या कुछ हैं, तो उसमें ही हमें काफ़ी कुछ हद तक एक हेल्प मिलती है कि ये नॉन वेज हैं या वेजिटेरियन है। देखो, नॉन वेज से रिलेटेड काफ़ी डिजीज होती हैं, जैसे स्टोन है, जिसमें आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो स्टोन बनता है वो नॉर्मली रेड मीट खाने वाले को बनता है, तो इससे हम काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा मैं आपका ये बताना चाहूँगा कि इसमें एज भी बहुत अच्छा फैक्टर है, उसकी एज देखनी चाहिए। फीमेल फर्टाइल 40, फैटी, ये सारे सिम्टम्स हैं। उसमें 40 साल की एज वाली फीमेल्स को काफ़ी कॉलीसिस्टाइटिस होने की प्रॉब्लम मिलती है, तो ये कॉलीसिस्टाइटिस के लक्षणों में देखा जाता है, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। तीसरा मैं वेट का देखना चाहूँगा। वेट के बारे में आपको बता दूँ कि पेशेंट का वेट लेना बहुत ज़रूरी है। अंडर वेट है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डाइट उसको नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशियल डिफिशेंसी है, इसका पता चल जाता है। दूसरा मैं आपको काफ़ी बताऊं कि ओवर वेटेड पेशेंट, जैसे काफ़ी पेशेंट हैं जिनका ओवर वेट हो रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्टिगेशंस में कुछ देख सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओडी, जनरल ओबेसिटी एंड स्टीरॉयडल इंड्यूस्ड ओबेसिटी, तो इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर वेट लॉस जा रहा है तो उसमें हाइपर थायरॉयडिज्म का सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल फीमेलों में, क्योंकि मानसिक अवसाद से ग्रस्त होती हैं। और मैं बताऊँ, मानसिक अवसादों में हाइपोथैलेमस होता है, वो इमोशनल का सेंटर बोला गया है। हाइपोथैलेमस ही मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। तो देखिए, आजकल फीमेल सबसे ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वैसे भी काफ़ी समय से इमोशनल होती आई हैं, तो फीमेल्स के इमोशंस के बेसिस पर उनके हार्मोनल रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। तो ऐसा कहीं एलोपैथ में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है, मनोवैद्य श्रोतस में ये दिया गया है कि इमोशनली जो अटैच रहते हैं उनको इमोशनल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं। जो पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स है, आपके यूट्रस का ख़राब हो जाना है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये सारी डिजीज़ डेवलप होते हुए देखा गया है कि उन्होंने कई मानसिक अवसाद थे। देखिए, जनरल हार्मोनल डिसबैलेंस यानी कि हार्मोन जैसे HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें तो थेरेपी इसमें काफ़ी काम करती है, लेकिन हमें मेंटली भी इनमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप पेशेंट से उसके बीपी, शुगर और थायराइड के बारे में भी पता कर सकते हैं। देखिए, मैं सेकंड आपके सामने स्पेसिफिक हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक हिस्ट्री का सबसे अच्छा पॉइंट है, इसमें देखो दो पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट कंप्लेंट। हमें पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट पता करनी होती है पेशेंट से क्वेश्चन करके, कि देखिए फॉर एग्जांपल कि आपको अभी एट द प्रेजेंट टाइम क्या प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीज़ होती है कि जिसमें आप पेशेंट के
चीफ कंप्लेंट को आप पेशेंट से पूछें कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की वजह से हो रही है। चीफ कंप्लेंट पर जब आप जाते हैं तो पेशेंट की काफ़ी समस्याओं को निराकरण आपको मिलता है। इसमें देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं चीफ कंप्लेंट के जो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके लिए कहीं छूटे नहीं इसलिए मैंने लिख के रख ली, मैं बताता हूँ। सबसे पहला है ऑनसेट। ऑनसेट मीन्स स्टार्टिंग कब से हुई, आपको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, आप उसका टाइम ड्यूरेशन पता कर सकते। लंबे समय से है, इससे हेल्प मिलेगी। अगर लंबे समय से है तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा ठीक होने में, मे बी क्योर और नॉट क्योर, ये भी हो सकता है। दूसरा है आपका पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पेन है, आर्थराइटिस से रिलेटेड पेन है या जॉइंट पेन है, या किसी को स्ट्रोक से पेन हुआ है, या कहीं उसके में मस्कुलर पेन है, तो आप ये पता कर सकते हैं। आप उससे पूछें कि देखिए पेन किस जगह पे है। या मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ सबसे अच्छा कि गॉल ब्लैडर का पेन होता है। गॉल ब्लैडर का पेन राइट एपिकॉन्ड्रियम से, आपके राइट एपिकॉन्ड्रियम से रेडिएट करता है और बैक शोल्डर की तरफ जाता है, तो आप पेन की पोजीशन से भी आप पता कर सकते हैं पेन कितना है। दूसरा उसकी क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स कितना तीव्र है। पेशेंट की से पूछें कि कितना शार्प है, कितना दर्द होता है, कितना तेज है, या डल पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन है, किस टाइप का है। चौथा मैं बताऊं आर, आर से होता है रेडिएशन, मीन्स ये रेडिएट कहाँ की तरफ कर रहा है। रेडिएशन ऑफ द पेन मीन्स ये पेन रेडिएट कर रहा है। जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन में, कॉलीसिस्टाइटिस या गॉल स्टोन में है, गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन राइट एपिकॉन्ड्रियम से आपके राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। चौथा मैं बताना चाहूँगा सीवियरिटी, पेन की सीवियरिटी कि आप डेली वर्क में हाउ इट अफेक्ट डेली वर्क, ये आपके डेली वर्क को कितना अफेक्ट कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में या अदर गाउट में या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस में, आप सुबह उठते हैं तो पेन होता है या नहीं होता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो होता है, क्रेपिटस की आवाज़ आती है, यानी दूसरा ट्रीटमेंट कितने समय से ये आपको पेन था, आपको ये भी पता करना है। दूसरा ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी लेनी है, पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री से आपको ये मिल जाता है ये हेल्प कि पहले जो हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स थे या अदर रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स ने क्या इनकी डायग्नोसिस बनाई है, उस बेसिस पे आपको पेशेंट की डायग्नोसिस पता करने में हेल्प मिल जाती है। मोड ऑफ ऑनसेट मीन्स किस मोड के तहत ये पेन आपको स्टार्ट हुआ या कोई डिसीज़ हुई है। प्रोग्रेशन कितना पेन बढ़ रहा है, इंटरमिटेंट है, रुक रुक के होता है या लगातार होता है, इससे भी आपको हेल्प मिलती है। तो ये स्पेसिफिक हिस्ट्री के फॉर्मूले थे, ओ ऑनसेट, पी पोजीशन, क्यू क्वालिटी ऑफ पेन या क्वालिटी ऑफ डिसीज, आर रेडिएशन ऑफ पेन या रेडिएशन ऑफ द डिसीज एंड अदर सिम्टम्स ऑफ दैट, एंड नेक्स्ट है फिफ्थ जो है ऑफ द पेशेंट, एंड सेवन है सॉरी सिक्स है इसका टाइमिंग और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको स्पेसिफिक हिस्ट्री समझ में आई होगी। इसके बाद पास्ट हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। पास्ट हिस्ट्री में आपको डिसाइड करना होता है, देखना पड़ता है कि पास्ट में इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई थी और इनको ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर थी और कितने समय बाद ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है। दूसरा आपको ये भी पूछना होता है, आप अपने तर्क शक्ति से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से भी काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट करके पेशेंट की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको ये बताऊं कि इसमें फैमिली हिस्ट्री भी बहुत अच्छा पार्ट है। फैमिली हिस्ट्री से जैसा मैं अभी पहले बता चुका हूँ, अभी एक कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री से आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज़ है, आपका थायराइड है, कुछ है आपका हीमोफीलिया है, एंड डिसीजेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये जनरल पॉइंट थे जिनसे आप हिस्ट्री टेकिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मैं हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी मेडिकल साइंस से